रोजगार के जरिए सवर रही धार जिले में जल संवर्धन और रूरल टूरिज्म की तकदीर। तू सुन, जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि शैलेंद्र की ये पंक्तियाँ इन दिनों किताबों से निकलकर धार में जमीनी हकीकत बन चुकी है। धरती को हरियाली की चुनरी उड़ाकर दुल्हन की तरह उसका सुलह सिंगार किया जा रहा है। धार की धरती को हरा भरा बनाने, उसकी रगों में पानी उतारने, नदियों को पुनर्जीवित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों कई काम बड़े पैमाने पर हुए। ये कोशिशें अब जमीन पर साफ नजर आने लगी हैं। धार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में इन मजदूरों ने रोजगार के साथ इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। 761 ग्राम पंचायत, 167 बंजर पहाड़ियां, 1336 हेक्टेयर जमीन, 5,81,003 मजदूर, 1,57,000 पौधारोपण, 5,00,000 का लक्ष्य, 4,270 कार्य प्रगति रत, 2 नदियों का पुनर्जीवन, धार जिले में जल संवर्धन, पौधारोपण, पर्यटन और नदी पुनर्जीवन के लिए मनरेगा के तहत 761 ग्राम पंचायतों में बेहतरीन काम हो रहा है। इसके लिए 167 बंजर पहाड़ियों को चुना गया। 1336 हेक्टेयर की इन पहाड़ियों को करीब 6,00,000 मजदूरों ने भीषण गर्मी के दौर में अपनी हाड़ तोड़ मेहनत से हरा भरा बनाने का अभियान शुरू किया है। 1,57,000 पौधे लगाए गए हैं। इसी साल 5,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। जिले भर में 4,270 काम अभी चल रहे हैं। 2 नदियों को 94 किलोमीटर तक सदा नीरा बनाने के लिए कैचमेंट एरिया में भरसक कोशिशें की जा रही है। अब रूरल टूरिज्म की कल्पना भी साकार होती दिखाई दे रही है। माही नदी के इस डैम के बीच बने आइलैंड्स पर टूरिज्म डेवलप किया जा रहा है। जापान की मियाबाकी तकनीक के जरिए पानी के बीच बने इन आइलैंड्स पर अब जंगल खड़े किए जा रहे हैं। आइलैंड पर कॉटेजेस भी होंगे। एक से दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए सर्किट तैयार होगा। यहां आने वाले टूरिस्ट के लिए जिप लाइन, हॉट एयर बलून और वाटर स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज भी होंगी। कमोबेश यही नजारा गंगा महादेव का भी है। यहां पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के साथ ही बंजर पहाड़ियों को फलदार पौधों से पाट दिया गया। नाले के किनारे बोल्डर वॉल बनाई है ताकि मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। पहाड़ियों पर कंटूर ट्रेंच और बोल्डर चेक डैम तैयार किए गए। कुंड से गाद निकालकर गहरा किया गया। यहाँ का काम उस दौर में हुआ जब पूरा देश लॉकडाउन में था। पहला काम नहीं था, हमको गुजरात जाते, इंदौर जाते, बाबूजी काम करते थे। अब हमको गांव में अच्छा काम मिल गया, अच्छा बहुत मजा आते है। गांव से बाहर नहीं जा रहा है, अच्छा काम मिल गया हमको। ये कुंड पूरा गाद से भरा हुआ था, इसको मनरेगा योजना के तहत पूरी गाद साफ करवाई है, जिसका इससे जल स्तर बढ़ा है। बंजर तारा पहाड़ियों पर भी इसी तरह जंगल खड़ा कर दिया गया। हजारों पौधे अब अपनी जड़ें जमा चुके हैं। इन पहाड़ियों पर पौधे लगाने के साथ ही हजारों जल संरचनाएं भी तैयार की गई। अमझेरा में अमका झमका माता मंदिर के पास RMS नाला ट्रेंचिंग, बोल्डर वॉल, पिंचिंग वर्क और पौधारोपण से यहाँ की सूरत और सीरत बदल गई। ये नजारा अब किसी लैंडस्केप की तरह दिखाई देने लगा। हालत भूखे मरने के हो गए थे ना सर, सरकार अगर काम नहीं देती तो भूखे मरना था। सोइल कंजर्वेशन का काम हुआ है तो मिट्टी का जो कटाव है वो रुकेगा और पानी का बचाव होगा। यहाँ कम से कम ये पूरा नाला भरा हुआ रहेगा पानी से। कुंडा की 28 हेक्टेयर की यह पहाड़ी अब हरी भरी होकर अपने पूरे यौवन पर है। कुछ महीनों पहले तक यहाँ पत्थरों के सिवा कुछ नहीं था। आज हर तरफ पेड़ पौधों की टहनियाँ, हवा के झोंकों पर
मंद मंद झूलते हुए खुशी के गीत गुनगुना रही है। कुंडा की इन पहाड़ियों पर हरियाली कायम करना किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं था, लेकिन मजदूरों और अफसरों के जज्बे ने जो सफलता दिलाई वह काबिले तारीफ है। 400 से 500 श्रमिक पिछले एक साल से लगातार काम कर रहे हैं, उन्हीं की मेहनत का ये नतीजा है कि हम आज इस पहाड़ी को हरा भरा कर पाए हैं। हमारा गांव में मजदूर पहले बाहर जाते थे काम करने, मजदूरी अभी यहीं पे गुंडा पहाड़ी पे काम करते हैं, तो यहीं मजदूरी मिलते हैं, यहीं खुश रहते हैं। खुज और उरी नदियों को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई। इन नदियों के आसपास कैचमेंट एरिया में कई तरह के काम हुए। नदी में मिलने वाले नालों पर ट्रेंचिंग और बोल्डर चेक्स बनाए हैं ताकि मिट्टी के बहाव को रोका जा सके। लोहारी डोंगर गांव की इन पहाड़ियों पर सीसीटी यानी कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंच, केटल प्रोडक्शन ट्रेंच, भू संकलन पॉन्ड तैयार किए गए। यहां बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है। खुज नदी को 42 किलोमीटर और उरी नदी को 52 किलोमीटर की लंबाई के कैचमेंट एरिया को ट्रीट कर फिर से जिंदा किया जा रहा है। इससे 7 विकास खंडों की 97 पंचायतों के 162 गांवों को फायदा मिलेगा। नदी पुराने जीवन में 2-3 जगह हमने सफाई भी करवाई उसकी और वहाँ पत्थर भी लगवाए, जिससे नदी का कटाव भी रुका और शहर रोजगार भी मिला। किसानों का फायदा ये हुआ कि जो कटाव था जमीन का वो भी रुका इससे। टवलई की 139 हेक्टेयर में फैली इस पहाड़ी पर जो काम हो रहा है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ 4 किलोमीटर की बोल्डर वॉल बनवाई गई है। असम की तकनीक से स्टेप्स कटिंग की गई है ताकि वाटर रिचार्ज किया जा सके। पहाड़ी पर कई जल संरचनाएं भी तैयार की गई। यहाँ 18,000 पौधे लगाए गए। पहले इस बंजर पहाड़ी पर कोई फटकना तक नहीं पसंद करता था, लेकिन अब हर दिन 200 से ज्यादा लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। पहले तो यहाँ दिन में भी आने के लिए डरते थे लोग कि दिन में जाके करेंगे क्या। आज ये है, हमने एक साल में ये कर दिया है कि यहाँ दिन भर में 200 लोग आ जाते हैं, आने जाने क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। ज्ञानपुरा की 19 हेक्टेयर में फैली पहाड़ी पर छोटी सी शुरुआत अब रंग लाने लगी है। इस पहाड़ी पर 10,000 फलदार पौधे अपनी जड़ें जमा चुके हैं। जल संरचनाओं के जरिए मिट्टी को बहने से रोका गया, तालाब को गहरा कराया गया। अब ये जगह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रही है। इस पहाड़ी की रौनक ही बदल गई, पर्यटन स्थल हो गया एक तरह का। धार जिले की सीमा पर माछलिया घाट में भी जबरदस्त काम हुआ है। 5 किलोमीटर लंबी बोल्डर वॉल बनवाई गई है, 66 बोल्डर चेक डैम और 7,000 कंटूर ट्रेंचेस तैयार की गई है। पहाड़ियों पर 5,000 पौधे लगाए गए हैं। जिला पंचायत के CEO संतोष वर्मा इन नवाचारी कामों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वे कॉन्फिडेंट हैं कि एक साल के भीतर रिच टू वेली का 80% तक काम पूरा कर लिया जाएगा और आगामी एक वर्ष में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि रिच टू वैली कॉन्सेप्ट का लगभग 80% तक का काम जो है हम लोग एक वर्ष में कर लें। धार के कलेक्टर आलोक सिंह इन कामों को लेकर बेहद आशान्वित है। धार जिला सतपुड़ा और बिंद के बीच में माँ नर्मदा का वरदान है और इसकी खासियत है कि ये मालवा और निमाड़ दोनों क्षेत्र में आता है और प्रकृति ने इसको भरपूर सब कुछ दिया, लेकिन पिछले कई सालों में अत्यधिक शोषण से बहुत सी पहाड़ियाँ हमारी बंजर हो गई और जिला पंचायत की अध्यक्ष और CEO जिला पंचायत ने एक बड़ा अभियान पिछले साल से उठाया है पानी रोकने में और पहाड़ों को और नदियों को पुनर्जीवित करने में, एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं पूरी जिला पंचायत की टीम को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक प्राचीन काल में जो धार का जो सौंदर्य था, प्रकृति ने जो सौंदर्य दिया था, उसको हम वापस अपने रूप में ला पाएंगे। जाहिर है इससे आने वाले वक्त में पर्यावरण तो सुधरेगा ही, पानीदार हो जाने से धार की छटा भी बदल जाएगी।